companies that are veteran, you know, मेरा नया गाना आ रहा है फ्रॉम राडा मूवी और ह्याच्यात मी खूप वेगळं केलं आहे. इट्स अ डिफरंट जॉनर कम्प्लिटली. एक आयटम आयटम सॉन्ग नाही आहे कारण की इट इज अ जुगलबंदी विथ गणेश मास्टर. मैं उनको नाम से ज़्यादा नहीं, बिकॉज उनके वजह से ही मुझे आज जो भी प्लेटफॉर्म मिला है. माय जर्नी हैज स्टार्टेड विद गणेश आचार्य थिंग. सो आई गिव हिम अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड आई प्रेज हिम, आई थैंक हिम. मेरा जो भी मैं हूँ आज, लाइक मैंने अपनी मेहनत तो की है, बट जो शुरुआत होती है, एक पुश होता है मुझे, वो हमेशा गणेश मास्टर ने दिया है. भले वो बैकग्राउंड डांसिंग में था या फिर वो मेरे एज अ सेलिब्रिटी, एज अ बॉलीवुड आइटम परफॉर्मर था, जो भी था. सो ये गाना बहुत अलग है. इट्स अ फाइट ऑल्सो, इट इज़ एन एक्सप्रेशन एज वेल, इट इज अ फीलिंग एज वेल, इट इज द हीरो इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द, त्याच्यात हीरो पण आहे डान्सिंगमध्ये, द हिरोईन ऑल्सो इज देअर इन द सॉन्ग. सो इट इज लाईक अ ग्रुप अँड इट इज इन द डे लाईट अँड इट वॉज अन अमेझिंग एक्सपिरियन्स. और गणेश आचार्य के साथ करना, मतलब एक लेजेंड के साथ काम करना, इट्स अपने आप में एक क्या बोलते हैं, विक्ट्री हो जाती है. सो अभी ऑब्वियसली कोविड के बाद ये मेरा गाना आ रहा है मराठी इंडस्ट्री में. सो मेरी इच्छा यही है करके कि ये गाना ब्लॉकबस्टर बने और लोगों का, मुझे जनताओं का इतना प्यार मिले एंड दे लव द वे आई हैव डन इट. सो या दैट्स ऑल आई वुड लव टू से. And lastly asking, I mean, you have been part of Big Boss, and so what do you have to say about Big Boss new season? Kitna zyada aap excited hai dekhne ke liye, jitne contestants and influencers are in great demand. ओ राइट नाउ इन्फ्लुएंसर्स आर इन ग्रेट डिमांड, आई अग्री टू इट. बट बिग बॉस हमेशा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ऊपर भी कर सकता है, जो आपको नीचे भी गिरा सकता है. सो इट्स ऑल अबाउट पर्सन्स इंडिविजुअलिटी. वो इंसान अपना खुद का कितना आवाज़ निकाल सकता है, वो खुद पे कितना भरोसा करता है, खुद के कैसे वो रहना चाहता है, कैसे वो करना चाहता है, उसका स्वभाव कैसा, उसका नेचर क्या है, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है जब आप बिग बॉस घर में जाते हो. और ऊपर से जब गेम्स होते हैं उसमें जो फाइट्स होती है, जो जो मोटिवेशन होता है कि मुझे जीतना है, दिमाग लगाना पड़ता है, लाइक यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स. आई हैव ऑलवेज बीन सुपर एक्साइटेड फॉर बिग बॉस क्योंकि मैंने खुद ने किया है एंड आई हैव सीन व्हाट आई, जो मैं लाइफ में नहीं करना चाहती थी एज अ इंडिविजुअल. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं टैटू बनाऊंगी या मैं किसी को हेल्प, बट मैंने वो सारी चीज़ें की है और मुझे खुद को भी बिलीव नहीं हुआ कि मैं वो कर सकती हूँ. आई एम दैट गिवर एज वेल, आई एम नॉट जस्ट अ टेकर, आई एम अ गिवर एज वेल. सो या बिग बॉस इज ऑल अबाउट एम्ब्रेसिंग योर ओन सेल्फ, लर्निंग अबाउट योर ओन सेल्फ, आप कितने एक्सटेंड तक क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर द बिग बॉस 4. थैंक यू. वैसे बताया जाए तो ये कोविड के पहले की मूवी है और काफ़ी टाइम लगा क्योंकि हम इसका आउटपुट देखे थे, प्रोड्यूसर ने इसका आउटपुट देखा, डायरेक्टर ने इसका आउटपुट देखा, तो हमें वो टाइम वर्थ नहीं लगा, इसलिए हम लोगों ने बहुत अच्छा वेट किया. और अभी आप जैसे देख रहे हैं कि मराठी इंडस्ट्री को, सबको बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये फिल्म सितंबर में रिलीज़ करते हैं. आज अभी गणेश जी हुए हैं और काफ़ी अच्छा मराठी फिल्मों को रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, इसीलिए ये फिल्म सितंबर में आ रही है. और जैसे आप देख रहे हैं, आपने ट्रेलर देखा, म्यूज़िक देखा, तो दिस इज़ काइंड ऑफ साउथ एक्शन फिल्म. मुझे ऐसा लगता है कि लय भारी के बाद में ये सेकेंड मूवी है मराठी का जिसमें आपको इतना अच्छा साउथ का थोड़ा सा फ्लेवर और तड़का दिखेगा. इट्स अ लव स्टोरी और इसमें से एक मैसेज भी देने की कोशिश की है. जो मैसेज है वो आपको थिएटर में जाकर देखना पड़ेगा ऑन 23rd सितंबर. इट वॉज वंडरफुल एक्सपीरियंस. एक्चुअली मैंने
संजय खापरे सर के साथ में काम किया था। मिलिंद गुना जी को मैंने काफ़ी देखा था बचपन से, मैं उनका एक एका दाजीबा सॉन्ग फॉलो करती थी, उस पर काफ़ी बार डांस भी किया है, बट उनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। दे आर सो सपोर्टिव। निशिगंधा मैम इज सो सुपर्ब, शी इज़ फैब, जस्ट अ फैब। थैंक यू। मराठी ना येस। नमस्कार, मी राम शेट्टी। राडा हा माझा पहिलाच चित्रपट आहे नक्कीच, पण मला लहानपणापासून अभिनय आणि गायन ह्या दोन गोष्टींचं खूप छंद असल्यामुळं मी ह्या प्रयत्नात राहिलो की कधीतरी आपण आयुष्यामध्ये एखादा पिक्चर बनवावा, आणि आकाश शेट्टी हा माझा अगदी घरचा मेंबर आहे, पुतणे आहे माझा, मी त्याच्यासाठी ह्या प्रोजेक्टची निर्मिती केली आहे। आणि आता मला खात्री पटली की ही बॅक टू बॅक मी प्रोजेक्ट नवीन ह्या करणार आहे, आणि राडा चित्रपटामधून महाराष्ट्रभरमधून मला पूर्ण प्रसिद्धी मिळाली ह्या चित्रपटाला, ह्या प्रोडक्शन हाऊसला, माझ्या पूर्ण टीमने सहकार्य केलेलं आहे, आणि माझं टच साऊथ असल्यामुळं मी 100% प्रयत्न तोच केला की साऊथ टचमध्ये मला कसं बनवता येईल। आजकाल जो आकर्षण आहे लोकांना साऊथ मूवीचं, मी त्या धर्तीवर हा चित्रपट करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। आणि आतापर्यंत जे गाणे रिलीज झालेत, डायलॉग्स, टीझर आणि ट्रेलर, या सगळ्यांना पाहून अतिशय खूप चांगला प्रतिसाद मला लोकांकडनं मिळतो आहे, आणि माझ्या टीमने मला पूर्ण सपोर्ट केलेला आहे। आणि या चित्रपटामध्ये जे मोठे कलाकार होते, अगदी दिग्गज कलाकार मराठीमधले, त्यांचं वारंवार मला गायडन्स ह्या ठिकाणी मिळालेलं आहे, आणि माझ्या नवीन कलाकारांनी सुद्धा खूप मेहनत करून हा प्रकल्प पूर्ण केलेला आहे, त्याबद्दल मी खूप समाधानी आहे। नमस्कार, मी रितेश नरवाडे, दिग्दर्शक राडा चित्रपटाचा। प्रत्येक दिग्दर्शकाला प्रोड्युसर त्याच्या मनासारखा भेटला पाहिजे, ते प्रत्येकाची इच्छा असते, पण मला प्रोड्युसर माझ्या मनासारखा भेटला। टेक्निकलमध्ये कुठल्याच बाबतीमध्ये मला कधी आमच्या प्रोड्युसरनं कधीच रोखलं नाही, ज्याही गोष्टीला म्हणलं तर मला यशच होतं। सरांचं यश असल्यामुळं मी प्रत्येक मनातून हे चित्रपट बनवलेलं आहे, आणि माझ्या टीमनं मला भरभरून साथ दिलेली आहे, प्रत्येकाचा मला सपोर्ट लागलेला आहे, सर्वांचा आशीर्वाद मला भेटणार याच्यात निश्चित काही शंका नाही मी असं समजतो। आणि येणाऱ्या 23 तारखेला हे नक्कीच चित्रपटामध्ये सर्वांनी येणार। महाराष्ट्रातील लोकांना मी विनंती करतो, पूर्ण जनतेला, की 23 सप्टेंबरला चित्रपटगृहामध्ये जाऊन राडा सुपरहिट करावा, हीच मी अपेक्षा बाळगतो रसिक मायबापांना। आणि मी माझे 2 शब्द संपवतो। मराठीत बोलायचं ना, काय म्हणतात त्याला, बदलेवाली पिक्चर आहे, शूड कथा म्हणतो पण मराठी। एक तोरण मुलगा आहे आणि तो कसा एकंदरीत बदला घेतो आणि कसं तो दुष्ट प्रवृत्ती नाहीशी करतो, नष्ट करतो, म्हणजे एक राम कसा रावणाचा नाश करतो, असं एक खूप पॉझिटिव्ह अशी फिल्म आहे, ॲक्शन पॅक्ड पिक्चर आहे। और पिक्चर की खासियत ये है कि हमने सारी पिक्चरें नांदेड़ में शूट की, तो काफ़ी अच्छी लोकेशन से, बहुत सारी ऐसी वो 300-400 साल पुरानी हवेली है, वहाँ पर टेम्पल जो काफ़ी पांडव का दिन टेम्पल्स है, तो काफ़ी अच्छी लोकेशन थी। और नांदेड़ से मुझे तभी पता चला कि नांदेड़ से हैदराबाद काफ़ी करीब है, तो जो इसके लिए जो आपको जो एक्शन दिखाई दे रही है वो हैदराबाद में नांदेड़ में आए और उन्होंने सारा एक्शन डिजाइन किया है। और वो एक्शन आपको देखें, वो जो वायर वाला एक्शन हम लोग बोलते ना कि ये पाव मारा तो 4 लोग उड़ गए वगैरह, वो सारे एक्शन मराठी में बहुत डिफिकल्टी से हमें देखने को मिलती है, पर हाँ सिनेमा तुम्हारा ती एक्शन पाए मिले, एक्शन पैक्ड पिक्चर है। तो एक सूड कथा है, खूब वेगवान पद्धति मांडनी है, आणि मला वाटतं की ऑडियन्सला आवडेल ती पिक्चर। नहीं, वो हिंदी का क्या है, वो लोग बजट, उनका बजट होता है, मराठी का अपना बजट होता है, तो सब बजट के हिसाब से खेलते हैं। जैसे रोहित शेट्टी की पिक्चर में अगर कोई हम लोग एम्बुलेंस का एक्शन सीन कर रहे थे तो तभी वहाँ पे 15 एम्बुलेंस होती, बोला एक नहीं हुआ तो 2 नहीं हुआ तो 10 उड़ाएंगे। मराठी में एक ही एम्बुलेंस होता है और उसको उड़ाते नहीं है, उसको पटक से ऐसे दिखाते उड़ने वाला है, कट करते हो और समझ जाते कि
एम्बुलेंस का ब्लास्ट हो गया उन्होंने, तो बजट की बात है, बाकी और कुछ नहीं। नहीं, मैंने उसका ट्रेलर नई फिल्म में मुझे लगता है कि वो प्रॉब्लम जो रीमेक जो बन रही है वो बंद होना चाहिए। जब तक हिंदी वाले ओरिजिनल आइडियाज़ नहीं सोचेंगे, जिसको देखो वो मलयालम फिल्म, तमिल, तेलुगु, उनका रीमेक कर रहा है। अभी इतना हुआ है ना कि आजकल तो OTT से सब लोग पिक्चर आपको अवेलेबल है। अभी दृश्यम 1 भी है, दृश्यम 2 भी है, आप वही वो पिक्चर OTT पे देखते हो, वही पिक्चर आप हिंदी में करते हो, तो उसमें इतने नवीनपना नहीं रहता, नया नहीं है कुछ, तो वो मिसिंग है। मुझे लगता है वो नए राइटर्स को, नए लोगों को मुझे लगता है इनक्रेज करना चाहिए। और जैसे आज ही किसी ने स्टेटमेंट किया था राकेश रोशन साहब ने कि ये लोग फ्रेंड्स के लिए पिक्चर मारते हैं, मतलब मैं मेरे फ्रेंड के लिए पिक्चर मारता हूँ, कह रही इसको अच्छी लगती है, तो वो पैटर्न मुझे लगता है कि करेक्ट है। एक्चुअली वो बंद होना चाहिए, नए थॉट्स नए लेके नया टैलेंट को एक्चुअली इनक्रेज करना चाहिए। और नए लोग लिख रहे हैं पर उनको मौका नहीं मिल रहा, तो कोई टैलेंट हंट करने वाली ऐसी कोई स्कीम निकलना चाहिए जिससे नए लोग आएंगे, नए राइटर्स आएंगे और नए फिल्में बनती जाएंगी। थैंक यू। नमस्कार, माझं नाव अजय राठोड। नमस्कार, माझं नाव अजय राठोड। राडा मूवीमध्ये मी हिरोच्या छोट्या भावाचा रोल केलेला आहे। तर हा मूवी म्हणजे येत्या 23 सप्टेंबरला संपूर्ण महाराष्ट्रात रिलीज होत आहे, तर आपण हा चित्रपट नक्कीच पाहावा, कारण या मूवीमध्ये कॉमेडी, सस्पेन्स, थ्री, रोमांस आणि आखरी म्हणजे साऊथ ॲक्शन फिल्म, जसं पुष्पा साऊथ मूवी जर तुम्ही पाहिलंच असेल, तशीच ह्या प्रकारची मराठी मूवी बनलेली। तर आपण वेळातला वेळ काढून 23 सप्टेंबरला नक्की हा चित्रपट पाहा। हे हा माझा म्हणजे पहिला चित्रपट आहे, तर आपण नक्कीच पाहा। धन्यवाद। डन, ओके। नमस्कार, मी करिश्मा बाबळे। राडा पिक्चर जे ट्रेलर आणि जे टीजर आहे आणि प्लस सॉन्ग जे आहे, आयटम सॉन्ग असेल, गणपती बाप्पाचं सॉन्ग असेल, लव्ह सॉन्ग असेल आणि फाईट, म्हणजे हे सगळं माइंड ब्लोईंग आहे। आणि मला वाटतं की मार्केटमध्ये नक्कीच हा पिक्चर, हा चित्रपट राडा घालणारच। आणि माझ्याकडून संपूर्ण टीमला खूप खूप शुभेच्छा, आणि मी देवाच्या चरणी प्रार्थना करते की हा राडा फिल्म, हा चित्रपट संपूर्ण महाराष्ट्रभरात राडा करूनच टाका। आणि खरंच म्हणजे थँक्यू सो मच, आणि सगळ्यांना पूर्ण एकदा ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा ये फिल्म का हिस्सा बन के। और ये फिल्म का कंसेप्ट ऐसा है कि ये एक एक्शन मूवी है, इसमें रोमांस, सस्पेंस, हर एक चीज़ मिलने वाली है। और मराठी मूवी होने के बावजूद इसमें मतलब ऐसे फील होगा कि हिंदी मूवी का रीमेक या हिंदी मूवी का डब वर्जन देख रहे हैं, और समझ में नहीं आएगा बॉलीवुड मूवी है या साउथ मूवी है, लेकिन एक्चुअल में है ये मराठी मूवी। तो ओवरऑल तीनों चीज़ें ये मूवी में मिलने वाली है। आपके अलावा काफ़ी अनुभवी कलाकार हैं, मिलिंद सर हैं और भी कलाकार हैं, उनके साथ काम करने का क्या सीखने को मिला उनसे आपको? बहुत अच्छा मुझे लगा इनके साथ काम करके। और स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि मैं इनके साथ कैसे कोऑर्डिनेशन कर पाऊँगा, कोऑर्डिनेशन होगा या नहीं, बॉन्ड बनेगा या नहीं, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड था कि फर्स्ट डे ही इतना सारा बॉन्ड बन गया। उन्होंने इतना मतलब सपोर्ट किया, कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा हो गया था कि एक फैमिली के जैसा हम लोगों ने काम किया है। और बहुत अच्छा लगा, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। इतने एक्सपीरियंस एक्टर्स के साथ अपन ने काम किए तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये डेब्यू मूवी है या फिर पहले आपने कोई मूवी की थी? नहीं, ये डेब्यू मूवी है। आगे क्या करने वाले मराठी फिल्म इंडस्ट्री में या? हाँ, मराठी प्रोजेक्ट्स है चालू, तो उसके लिए ट्राई कर रहा हूँ। थैंक्स। रेडी? और कौन है?